नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टालीवेक्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करने जा रही है जी टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो प्यार का पहला नाम राधा मोहन की। दोस्तों, सीरियल राधा मोहन की कहानी बिना फाइटिंग होने वाली है। फाइनली मोहन और युग के बीच झगड़ा होने वाला है और वो झगड़ा बंदूक से होने वाला है और दोनों के बीच बंदूक को लेकर खींचतान शुरू हो जाने वाली है, जिसका प्रोमो आप देख चुके हैं। और इससे बीच अब आप देखने वाले हैं कि गोली जो है ना बंदूक से चल जाने वाली है, और वो गोली लगने वाली है किसे, मोहन को या युग को, है ये बड़ा सस्पेंस। लेकिन कहानी ना यहाँ पर युग के करेक्टर को खत्म करने वाली है जी हाँ। तो इसीलिए यहाँ पर जो खबरें आ रही है सूत्रों के हवालों से, वो ये कह रही है कि युग को जो है मोहन के हाथ से गोली लग जाने वाली है, और मोहन के हाथ से युग को जब गोली लगेगी तो युग वहीं पर खत्म हो जाएगा, युग की कहानी भी खत्म हो जाएगी। मगर आप तो जानते हैं कि पुलिस इस कहानी को खत्म नहीं करेगी, क्योंकि मोहन के हाथ से गोली चली है तो पुलिस मोहन को गिरफ्तार कर लेती है। और अब राधा, जिसके जीवन में बस अभी अभी खुशियां ही आई थी, जिसका परिवार बस अभी अभी पूरा ही हुआ था, कि अब उस परिवार का मुखिया यानी मोहन जेल चला गया है, ऐसे में हमारी राधा क्या करेगी, कैसे साबित करेगी कि मोहन बेकसूर है। गोली युग के हाथ से ही चली है और वो नहीं जानता था कि उस गोली से निकल जो बंदूक से निकलने वाली गोली है वो जाकर सीधे उसे ही लग जाएगी। और अब ये प्रूफ करना है राधा को और बेकसूर साबित करके मोहन को लेकर आना है जेल से बाहर। तो फिलहाल राधा के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो कैसे सबके सामने ये चीज साबित करेगी, स्पेशली कोर्ट में साबित करेगी कि मोहन जो है वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है, युग का कत्ल उसने नहीं किया है। अब ये बहुत बड़ा सस्पेंस भी है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है राधा के लिए, और उस चैलेंज पर राधा कैसे खरी उतरती है, क्या क्या सबूत है, दलीलें लेकर आती है, ये सब हम लोग आगे आने वाले जो ट्रैक्स होंगे ना उसमें देखेंगे और फिर आपको भी जरूर बताएंगे।